अरे कितने हैं यार? कितने हैं? 50? ये किस बात के ठहरे 50 रुपए बॉस? परमिशन लेना पड़ता है। अरे मांझी तो क्या सामान अभी आते समय देखेंगे। कीड़ा जड़ी है क्या? ताकू होता है, तकली बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये लास्ट टी शॉप है, भारत की आखिरी चाय की दुकान, इससे आगे आपको दुकान नहीं मिलेगी। नमस्कार, यात्रा कथा यानी ट्रेवल डील्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको बद्रीनाथ से माणा गांव ले जाने वाले हैं। जी हाँ, माणा जो पौराणिक काल की रहस्यमयी दुनिया का गेटवे है। माणा के पार एक लंबी घाटी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से स्वर्ग जाने वाली सीढ़ी दिखाई देती है। तो हम लगभग 2 किलोमीटर चल चुके हैं और इस वक्त बद्रीनाथ हमारे बाईं ओर है। ये सुंदर सी नीली नदी है अलकनंदा, और इस बीच वाले पहाड़ की तलहटी में बसा है माणा गांव। इन पहाड़ों के पीछे रहस्यों की कई उलझी हुई गुत्थियां हैं। अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हर साल कई साधु संन्यासी इस दुर्गम घाटी की यात्रा करते हैं। लगभग 35 किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद एक पर्वत दिखाई देता है जिसका नाम है स्वर्गारोहिणी। महाभारत में उल्लेख है कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। हालांकि इस पर्वत तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ युधिष्ठिर ही जीवित बचे थे। द्रौपदी समेत बाकी पांडवों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। महाभारत के अनुसार स्वर्गारोहिणी पहुंचने के रास्ते में जो स्थान आते हैं उन्हें आज भी उन्हीं नामों से जाना जाता है। ऐसा कहा गया है कि एक कुत्ता अंत तक युधिष्ठिर के साथ चलता रहा और आखिरकार इसी पर्वत के रास्ते दोनों स्वर्ग तक पहुंचे। लीजिए, बातों बातों में हम माणा के बहुत करीब आ चुके हैं। बद्रीनाथ से ये सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, इसलिए बद्री विशाल के दर्शन करने आए तो यहां आना तो बनता ही है। ये गांव 6 महीने ही आबाद रहता है। नवंबर में जब पानी जमना शुरू होता है तो यहाँ के लोग कम ऊंचाई पर बसे अपने दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। गोपेश्वर के पास बसे उस दूसरे गांव की यहां से दूरी है लगभग 100 किलोमीटर। ये जो हरी छतों वाले मकान आपको दिखाई दे रहे हैं ये ITBP और भारतीय सेना के हैं। माणा तिब्बत बॉर्डर पर भारत का आखिरी गांव है। एक समय ये तिब्बत से व्यापार का बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद सीमाएं बंद कर दी गई। अभी तक रास्ता बहुत अच्छा था, बस इस मोड़ पर ग्लेशियर के पानी के साथ पत्थर बहकर आ जाते हैं, लेकिन यहां पर भी एक पुल बन रहा है। तो लीजिए, माणा गांव की पार्किंग आ चुकी है। कार के लिए आपको 50 रुपए देने होंगे जो मिलेंगे माणा ग्राम पंचायत को। गाड़ी लगाने के बाद कुछ ही कदम चलेंगे तो आप इस गांव की मेन रोड पर पहुंच जाएंगे। करीने से पेंट किए गए घर और बिना ट्रैफिक वाली साफ सुथरी सड़क। यहां आपको ऊनी कपड़ों की कई छोटी छोटी दुकानें दिखाई देंगी और धूप सेकती महिलाएं बुनाई करती नजर आएंगी। दरअसल ये लोग रोंगपा जनजाति के मार्चा हैं। पहले भेड़ और बकरियां पालना ही इनका एकमात्र पेशा हुआ करता था। इन्हीं भेड़ों से ये ऊन हासिल की जाती है। जो उसका ऊन होगा उस ऊन को बिल्कुल पहले छानेंगे, बिल्कुल महीन एक एक करके अच्छे से छानेंगे। छानने के बाद उसको धुलेंगे। धुलाई होने के बाद उसको अच्छे से सुखा के, बिल्कुल उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, फिर उसको सुखा दिया, फिर उसको पैकिंग कर देते। अब हम जहाँ 6 महीने शिफ्ट हो जाएंगे, 6 महीने यहाँ रहते हैं, 16 नवंबर को हम सब चले जाते हैं, 15 नवंबर को माणा का कपाट बंद हो जाएगा, माणा गांव का, बद्रीनाथ का नहीं, बद्रीनाथ को होगा 19 को, यहाँ हो जाएगा 15 को बंद, 16 को, 16 को चले जाएंगे हम। तो 16 को जहाँ हम जाते हैं ना, चमोली के 8 किलोमीटर आगे गोपेश्वर पड़ता है, उससे थोड़ा आगे है वो हमारा गाँव है। वहाँ पर मशीनें हैं गवर्नमेंट द्वारा दी गई है, वही मशीन से हम लोग उसका धागा बनाते हैं, उसको मशीन में डालते हैं, उसके बहुत महीन महीन टुकड़े होते हैं, उसी से ही फिर उसी का धागा बनता है, फिर उसके बड़े बड़े गुच्छे बन जाते हैं, फिर उसको घर में हम ताकू से, ताकू होता है, तकली बोलते हैं उसको, ठीक है,
वो तकली से करते हैं, चरखा करते हैं, जो पैर वाला चरखा होता है गांधी जी वाला, उस चरखे में उसका धागा बनाते हैं, धागा बनाते हैं। उसके बाद हमें स्वेटर बनेगा, उससे आसन बनेंगे, उससे टोपी बनेगा, पंखी बनेंगे, ये सब चीजें उनसे बनते हैं। अब हम गणेश गुफा की ओर जा रहे हैं। रास्ते में ये एक होम स्टे है लेकिन शायद बंद है। यहाँ खाने पीने की दुकानें नहीं है, इसलिए उसी हिसाब से इंतजाम रखिए। ये गणेश गुफा है, ये महाभारत का लेखन स्थल है। यहाँ पर गणेश जी ने महाभारत लिखा। और थोड़ी दूरी में है व्यास गुफा, वहाँ से व्यास जी बोलते रहे, व्यास जी बोलते रहे, गणेश जी महाभारत को लिखते रहे। ग्लेशियर से निकला पानी जगह जगह बहता नजर आता है। अलकनंदा की एक ट्रिब्यूटरी सरस्वती भी यहाँ बहती है। कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ से गुजर रहे थे तो इस नदी को पार करने के लिए भीम ने इसके ऊपर एक चट्टान रख दी थी। आज इसे भीम पुल कहा जाता है। वेदव्यास गुफा और भारत की आखिरी चाय की दुकान तक जाने के लिए एक तीखी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि वेदव्यास ने इसी स्थान पर महाभारत की रचना की थी। इसके ठीक बगल में है भारत की आखिरी चाय की दुकान। यहां लोग भले ही चाय पीने ना आए लेकिन सेल्फी खींचने जरूर आते हैं। स्टॉप से माणा गांव का नजारा चाय के साथ और भी सुंदर हो जाता है। वो पीले से पहाड़ पर जो खेत दिख रहे हैं वो इन्हीं लोगों के हैं और यहाँ का आलू बहुत प्रसिद्ध है। अब हम नीचे उतरकर माणा के कुलदेवता के दर्शन करने जा रहे हैं। ये है भूम्याल देवता घंटा कर्ण महाराज का मंदिर और यहीं से गांव की रंग बिरंगी गलियों का सिलसिला शुरू होता है। सन 2022 में जब हमारे प्रधानमंत्री यहां आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे लिए ये भारत का आखिरी गांव नहीं बल्कि भारत का पहला गांव होना चाहिए। और ये बात एकदम सही है क्योंकि जब तक हमारे समाज के आखिरी आदमी की लाइफ बेहतर नहीं होती तब तक हम सिविलाइज सोसाइटी कहलाने के हकदार नहीं हैं। कई रंगों से भरे इस गांव को छोड़ने की इच्छा नहीं होती लेकिन अंधेरा होने से पहले हमें कम से कम जोशीमठ पहुंचना है। इसलिए अब रवानगी डालते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।